आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं उर्दू वीओए वाशिंगटन से कौकब फरशोरी। और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। कुछ हफ्तों के ब्रेक के बाद आज से एक बार फिर समझौता एक्सप्रेस का सफर जारी रखते हैं। अहम मुलाकात हुई है भारतीय प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट के बीच रशिया में। हम पूछ रहे हैं इस मुलाकात के क्या मायने हैं। आज के सेगमेंट में कौकब बात आगे की रास्ते की भी। बिल्कुल निहारिका, और बहुत से एनालिस्ट्स इस मुलाकात को ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात के नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान जो सर्द मोहरी एक छाई हुई ताल्लुकात में वो अब ख़त्म होती नज़र आ रही है और बर्फ़ पिघल रही है। और एक बहुत ही अनलाइकली सा वेन्यू यानी मॉस्को में ये मुलाकात हुई, जिससे कि बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसा करार दे रहे हैं कि इसके नतीजे में ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। फिर से एक नई शुरुआत की तरह हुई है। इसके बाद अब दोनों इंडिया और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरीज के बीच बात होगी टेररिज्म पर, वो नॉन अलायंस समिट से पहले। धीरे धीरे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉम्पोजिट डायलॉग की तरफ कौकब कदम बढ़ रहे हैं। ऐसे में मोमेंटम को बरकरार रख पाना बहुत ही अहम माना जा रहा है। बिल्कुल निहारिका, और वही जो बात हम इस सेगमेंट में अक्सर करते रहते हैं, ट्रस्ट की और फिर इस मोमेंटम को आगे बढ़ाते रहने की। इसी मौजू पर कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनमें आगे किस तरह से मोमेंटम बनना चाहिए, हमने बात की यहाँ वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी उमूर के माहिर जवाद खान से। पहले तो इस बात को मानना पड़ेगा हम सबको मिलकर कि जी टेररिज्म है जो कि एक इशू है पूरी दुनिया के लिए। वो दुनिया के किसी भी दुनिया में कोने में लोग बैठे हैं, सारों को किसी न किसी तरीके से इफ़ेक्ट करता है, ख्वाह पॉलिटिकली करे, इकोनॉमिकली करे, फाइनेंशियली करे या इंडिविजुअली करे। और उस नाते से सबका ये हक बनता है, हर एक मुल्क का, हर एक इंसान का, कि वो मिल बैठ के इस मामले को ख़त्म करने के लिए बातचीत करें, ख्वाह वो इंडिया है, पाकिस्तान है, अमरीका है, चीन, जापान, जो भी मुल्क है। टेररिज्म एक अहम मुद्दा रहा प्राइम मिनिस्टर सिंह और प्रेसिडेंट जरदारी के मुलाकात में। कौकब, भारत की ओर से ये डिमांड कि पाकिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल ना हो इंडिया की तरफ टारगेटेड टेररिस्ट अटैक्स के लिए, ये पहले भी एक स्टिकिंग पॉइंट रह चुका है दोनों देशों के बीच में। पाकिस्तान इस डिमांड को किस तरह से ले रहा है? निहारिका, अब जो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में अब इस वक्त जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं तालिबान के खिलाफ वो बहुत बड़ा इशू है। और अब ऐसा लग रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दोनों मुल्क जो पुरानी बातें हैं उन्हें भुलाकर आगे बढ़ेंगे। यानी पाकिस्तान के लिए वो इशू के इंडिया के जो कॉन्सुलेट्स हैं अफगानिस्तान में खुल रहे थे, इंडिया के लिए टेररिज्म का इशू खासकर मुंबई के बाद, इन चीज़ों से अबव और आगे जाकर अब बात होगी। और जानकारों के बीच भी, एक्सपर्ट्स के बीच भी एक राय सी बन रही है कि जब दोनों देशों के सामने टेररिज्म और मिलिटेंसी एक कॉमन थ्रेट है, एक कॉमन एनिमी है, तो क्यों ना इस बात पर बातचीत की जाए, इस मसले को सुलझाने के लिए दोनों देश मिलकर प्रयास करें। और इसी सिलसिले में हमने पूछा यशवंत देशमुख से, जो इंडिया में सेंटर फॉर वोटिंग ओपिनियन एंड ट्रेंड्स इन इलेक्शन रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस सिलसिले में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज मिलिटेंसी के नाम पर दोनों ही मुल्कों की पीठें दीवार को लगी हुई हैं, एक एक इस बात को मान लेने में कि हाँ ये एक जॉइंट एनिमी है और हम दोनों के लिए सिरदर्द है और उसके अगेंस्ट में मिलके काम करना चाहिए, और उन दिक्कतों को मान लेने में कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से खुला दिल और खुला दिमाग अगर रहेगा तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है ये मौका। टेररिज्म नाज़रीन इस वक्त एक ऐसा इशू बन चुका है कि हर मुल्क को अब इस बात का ख़तरा दिखाई दे रहा है कि अगर उसके अंदर या उसकी सरहदों से बाहर कोई ऐसा ख़तरा बढ़ जाएगा तो वो उसकी सालमियत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। और हर मुल्क अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफ़ाइन कर रहा है, और हमारे जो अगले एक्सपर्ट हैं वो इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि हर मुल्क को अपने रवैयों पर नज़र डालनी चाहिए, ना ये कि अपनी नेशनल जो उसके इंटरेस्ट हैं उनको साइड में रख के ये देखना चाहिए कि दूसरा मुल्क किस तरह से बिहेव कर रहा है। क्ले रामसे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में रिसर्च डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल पॉलिसी एटीट्यूड्स के, उनकी हम आपको साउंड बाइट सुनवाते हैं। Try to understand your own country. पाकिस्तान के लिए उसके कौमी मुफाद बिल्कुल वाज़े होने चाहिए। अपने मुखालिफ को देखकर अपने मुफाद का तायुन करने के बजाय अपने मुल्क को समझने की कोशिश करें। अमरीका और रूस ने 40-50 साल तक यही किया। ये हम अमरीकियों के कौमी तजुर्बे का हिस्सा है। हम अपनी कौमी तरजीहात रूस के इकदाम की रोशनी में करते रहे। जब रूस ने स्पुतनिक खला में भेजा तो हमने खलाई प्रोग्राम शुरू कर दिया। ये कोई मुनासिब तरीका नहीं अपने मुल्क के कौमी मुफाद को आगे बढ़ाने का।
نیشن بلڈنگ کی بات ہے، اکنامک پراسپیرٹی، گروتھ کے لیے ہیلدی کمپٹیشن کا فائدہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن کوکب رامسے کہہ رہے ہیں کہ دیشوں کو اپنے گولز، اپنے انٹرسٹ کے حساب سے اپنی پلاننگ کرنی چاہیے۔ نہر کا بالکل، اور یہ جو اکنامک پراسپیرٹی کی بات ہے، رول آف لا کی بات ہے، اور لوگوں کو انصاف ملنے کی جو بات ہے، اب ہر نیشن کو اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جو اگر یہ چیزیں مسنگ ہوتی ہیں تو وہیں پر پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں ٹیررزم بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے کہا ہے کہ اگر انڈیا کے جو گلوبل ایسپریشنز ہیں وہ فلفل ہونے چاہیے تو ساؤتھ ایشیا میں اکنامک پراسپیرٹی کی ضرورت ہے، اور اس کا مطلب ایک طرح سے یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ جو مسئلے ہیں ان کو سلجھانے کے لیے ڈائیلاگ کی بھی ضرورت ہے۔ سمجھوتا ایکسپریس میں ہم اسی سلسلے پر اپنا دھیان، اپنی نظر بنائے رکھے ہوئے، لیکن فی الحال کوکب اور نہارکا کو اجازت دیجیے۔